दोस्तों आपके गूगल एनालिटिक के अकाउंट में एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर बन चुके हैं किसी कारणवश, और आप चाहते हैं कि आपके गूगल एनालिटिक का अकाउंट यहाँ पर जो है डिलीट हो जाए, तो आपके गूगल एनालिटिक के अकाउंट को किस तरह से डिलीट करेंगे यही जानकारी जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर देने जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर मेरे एक अकाउंट देखेंगे जिसमें कि यहाँ पर तीन अकाउंट मेरे पास बने हुए हैं जो कि कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर जो है पहले इस पर रजिस्टर्ड की थी, जो अब वेबसाइट मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उनके भी अकाउंट बने हुए हैं, तो इन्हें किस तरह से डिलीट करेंगे यही जानकारी जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट को हमें यहाँ पर जो है डिलीट करना है। अब यहाँ पर जो है आपको एक एडमिन का, सेटिंग का, जो भी ऑप्शन आप इसे कह लो, ये यहाँ पर मिलेगा। इस पर जो है हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आना है अकाउंट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर जो है आपको एक अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमें करना है क्लिक और यहाँ पर जो है हमारे सामने वो अकाउंट ही आ जाता है जो अकाउंट हमने अभी यहाँ पर जो है ओपन करके रखा है। यहाँ पर इस अकाउंट की सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। आप पहले ये स्वेयर कर ले कि आपको इस अकाउंट को प्रॉपरली डिलीट करना है या नहीं। उस अकाउंट की आईडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसे कि जो है आप यहाँ से जो है कन्फर्म कर सकते हैं कि वही अकाउंट आपका ओपन हुआ है या नहीं। प्रॉपरली वही अकाउंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक मूव टू बिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जो है आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने इस अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी यहाँ पर डिलीट हो सकती है, आपका डाटा पूरा डिलीट हो सकता है, इस अकाउंट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो भी जो है यहाँ पर डिलीट हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दी है। आप यहाँ पर जो है इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले और बिन अकाउंट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे जिसके बाद ये अकाउंट आपका जो है गूगल एनालिटिक अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। अब वापस से हम यहाँ पर गूगल एनालिटिक के अकाउंट में आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास तीन अकाउंट बने हुए थे जिसमें जो अकाउंट हमने डिलीट किया उस पर जो है एक पट्टी, एक क्रॉस का निशान यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये अकाउंट आपके गूगल एनालिटिक के अकाउंट से डिलीट हो चुका है। इसका डाटा जो है अब आपके गूगल एनालिटिक के अकाउंट पर नहीं है लेकिन अभी भी गूगल के पास इसका अकाउंट यहाँ पर रहता है। आप चाहे तो इसे जो है दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं या गलती से आपके हाथों से कोई प्रॉपर्टी या कोई अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो गया है उसे भी रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको उस अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा जिस अकाउंट को आप यहाँ पर रिस्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि इस अकाउंट को हम रिस्टोर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अकाउंट के सेक्शन में अगेन एक बिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जो हमें क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर आपने अभी डिलीट किया है या आपके हाथ गलती से यहाँ पर जो है डिलीट हो गया है, जिसकी वैलिडिटी भी यहां पर बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक ये जो है आप रिस्टोर कर सकते हैं। यहां पर जो है बॉक्स में आपको टिक करना होगा और रिस्टोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट आपका वापस से रिस्टोर हो जाएगा और आपका डाटा भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गूगल एनालिटिक के अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं और गूगल एनालिटिक के अकाउंट को रिस्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।